नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो सत्र 2024-25 के बीएड प्रवेश के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे थे उनके जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप घर बैठे फ्री में अपनी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करोगे और उसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो बीएड 2024-25 के आवेदन फॉर्म भरे गए थे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपको बीएड की मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले hed.mponline.gov.in यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में NCTE कोर्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये वही वाला पोर्टल है जिस वाले पोर्टल से हमने बीएड का आवेदन फॉर्म फिल किया था। हमें वही वाले पोर्टल पर आना है और उसके बाद में स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और सिंपल से काउंसलिंग एक्टिविटी में बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में आपको प्रवेश प्रक्रिया का जो ऑप्शन दिख रहा है बीच वाला, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, तो आपको प्रवेश प्रक्रिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड, जो कि 15 मई 2024 से चालू हो गए 25 मई 2024 तक आपको मेरिट लिस्ट दिखेगी। तो सिंपल से आपको आपकी मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मेरिट फर्स्ट राउंड बैचलर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, तो जो आपने बीएड का आवेदन फॉर्म फिल किया था और आपको जो पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको प्राप्त हुई थी, उस रसीद पर एक एप्लीकेशन नंबर है। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर की जगह आपको वो एप्लीकेशन नंबर देना। जो भी आपकी रिसिप्ट में एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर दे, कैप्चा कोड दे और सिंपल से गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड देकर गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का जानकारी दिखेगी। तो यहाँ पर आपकी जो रैंक है वो रैंक दिखेगी, कितने पे आपकी रैंक है, कितने नंबर पे आपका नाम है। उसके बाद में टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं, कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया वो दिखेगा और रैंक क्या बनी वो दिखेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसके बाद में आवेदक छात्र छात्रा का नाम दिखेगा, पिता या पति का नाम दिखेगा, उसके बाद में जन्मतिथि यहाँ पर दिखेगी, डोमिशियल आपको दिखेगा, उसके बाद में जो भी आपने आवेदन फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी और परसेंटेज डाला था वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। तो इस तरीके से आपकी जो भी रैंक है वो रैंक यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो भी मेरिट लिस्ट है वो आपकी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों इसके अलाटमेंट लेटर आएंगे, तो इसके अलाटमेंट लेटर जो है दोस्तों आपको 25 तारीख के बाद में प्राप्त होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी रैंक जो भी मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है कि आपकी रैंक कितनी है और टोटल कैंडिडेट पे आपकी रैंक कितनी है। ये रैंक आप यहाँ पर चेक कर ले, बाकी की जो जानकारी वो आपने आवेदन फॉर्म भरते का समय डाली थी वो जानकारी दिखेगी। यहाँ पर आपको रैंक और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में आपने बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जो आवेदन फॉर्म फिल किया था उसकी जो प्रथम राउंड की मेरिट लिस्ट है वो आप घर बैठे फ्री में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।